आज का हम लोग का टॉपिक है इंडो स्पर्म। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगेमटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की बात भी कर चुके हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन की भी बात हो चुकी है। अब हम लोग आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन जो दो प्रोसेस होती हैं, एक क्या होता है द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट विद द एग, अनदर इज द फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमिट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। और जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज द सिनगैमी, दैट इज कॉल्ड एज द सिनगैमी बिकॉज here the fusion is take place at the two time, therefore it is called as the double fertilization. Double fertilization ke triple fusion ke dwara jo structure banta hai that is called as the primary endosperm nucleus, use kya kehte hain PEN, primary endosperm nucleus. Nucleus, okay. To endosperm ka kya mahatva hai plant ke sense mein, thi because it is the मोस्ट न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, इंडो स्पर्म। और ये इंडो स्पर्म बनता कैसे है, बाय द फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमिट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, इट इज द ट्रिप्लाइड इन नेचर, जनरली इट इज द ट्रिप्लाइड नेचर। अब वो अलग बात है कि किसी में अगर केवल सिंगल पोलर न्यूक्लियाई है तो डिप्लाइड हो जाएगा, चार पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमिट है तो पेंटापोलाइड हो जाएगा, तो वो निर्भर करेगा, बट जनरली इट इज द ट्राइपोलाइड और इट इज डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यही बात आप अगर जिम्नोस्पर्म के सेंस में करोगे तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, बट इंडोस्पर्म इज द डेवलप, बट इट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इट इज द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में क्या है, इट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डेवलप करता है। और जो पहला स्ट्रक्चर बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ द वन मेल गैमिट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द PEN। जनरली ऑल एंजियोस्पर्म, इन द ऑल एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म इज फॉर्म एक्सेप्ट थ्री फैमिली, एक्सेप्ट द थ्री फैमिली दैट इज द आर्चिडेसी, पोडोस्टमेसी एंड ट्रेपेसी, ये तीन ऐसी फैमिली है जिसमें इंडोस्पर्म क्या होता है, नहीं बनता, नहीं। ओके, तो आप एक जानकारी के लिए रखिए, दिस इज द थ्री फैमिली व्हिच डज नॉट डेवलप द इंडोस्पर्म, दैट इज द आर्चिडेसी, पोडोस्टमेसी एंड ट्रेपेसी। ठीक है, अब ये जो PEN बना प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट गोन टू डिवाइड एंड रीडिवाइड टू डेवलप द इंडोस्पर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट इंडोस्पर्म, सॉरी इंडोस्पर्म इज द थ्री टाइप, न्यूसिलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म एंड हेलोबियल इंडोस्पर्म। जनरली सेलुलर इंडोस्पर्म इज फाउंड इन द आई डाइक, ऑल डाइकॉटिलीडन्स फैमिली, जितने भी डाइकॉट की फैमिली है, मोस्टली सबकी बात नहीं कर रहा, इट हैव द सेलुलर इंडोस्पर्म, व्हाइल इन द मोनोकॉट इंडोस्पर्म इज द हेलोबियल टाइप, हेलोबियल टाइप। देखते हैं क्या होता है भाई, देखिए जो न्यूसिलर इंडोस्पर्म होते हैं वहां पे जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनता है, इट अंडरगो द थ्री न्यूक्लियर डिविजन, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू विच इट फॉर्म द थ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूसिलर टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज द, इसमें सेल सेल वॉल नहीं बनती है, न्यूक्लियस तो डिवाइड करें, यानी मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसे देखिए ऊपर के डायग्राम में, ठीक है, लेटर स्टेज बाद में किनारे से पेरीफेरी की तरफ से सेल बनने शुरू हो जाते हैं, बट
मोस्टली दे आर द न्यूसिलर, पूरे के पूरे सेलुलर नहीं होते हैं. तो दिस टाइप डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द न्यूसिलर डेवलपमेंट. सेलुलर इंडोस्पर्म न्यूक्लिया भी, न्यूक्लियाई भी डिवाइड करेंगे प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस से और सेलवाल भी बनेंगे. इट इज द सेलुलर, इट इज द सेलुलर, कोई मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन नहीं होता. इन केस ऑफ द हेलोबियल फर्स्ट डिवीजन इज द सेलुलर, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द सेलुलर. दो सेल्स बनेंगे, एक से दो सेल बनेंगे. फर्दर डेवलपमेंट बोथ सेल्स का क्या होता है, थ्री न्यूक्लियर. देखिए ठीक है, तो दिस टाइप डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द हेलोबियल. न्यूक्लियर में क्या होगा, ओनली थ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सेलुलर में क्या होगा, न्यूक्लियर प्लस सेल वॉल फॉर्मेशन. बट हेलोबियल में क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन इज द सेलुलर और डिवाइड इनटू द टू न्यूक्लियस और फर्दर डेवलपमेंट इज द थ्री न्यूक्लियर. दोनों अलग अलग क्या करेंगे, थ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे. दिस टाइप डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द हेलोबियल. चलिए एक एक को देखते हैं. न्यूसिलर इंडोस्पर्म आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दिस टाइप प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN अंडरगो द थ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन. सेवरल थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर फ्रीली सस्पेंडेड इन द इम्ब्रियो सैक, क्योंकि इम्ब्रियो सैक में ही बनता है. ये देखिए क्या हो गया, ये तो जाइगोट इम्ब्रियो बना लेगा लेकिन न्यूक्लियस कहाँ रहेंगे, इम्ब्रियो सैक में ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं. देखिए कुछ प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जनरली जो इंडोस्पर्म बने, जो फ्री न्यूक्लियर बने, वो क्या हो जाते हैं, दे आर द कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग इम्ब्रियो. इम्ब्रियो जो डेवलप करता है उसके द्वारा पूरी तरह से क्या कर लिए जाते हैं, कंज्यूम किए कर लिए जाते हैं. कुछ में बचे रह जाते हैं और लेटर स्टेज में क्या हो जाए, इट बिकम द सेलुलर. ऐसा नहीं कि हमेशा फ्री न्यूक्लियर ही रहेंगे, लेटर क्या हो जाता है, इट बिकम द सेलुलर. जनरली इट इज द कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग इम्ब्रियो. जैसे लेमिनेंथस में, आर्गियोस्पोरा में आप देखेंगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है, पूरा का पूरा क्या हो जाते हैं, कंज्यूम किए कर लिए जाते हैं इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ही समय, कुछ बचता नहीं. मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, इट इज वॉल फॉर्मेशन इज द सेंट्रीपिटल ऑर्डर. सेंट्रीपिटल ऑर्डर का मतलब पेरीफेरी के तरफ से, पेरीफेरी से सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और सेंटर में क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियर रह जाएंगे. तो सेलुलराइजेशन कहां से शुरू होगा, किनारे से. जैसे आप देखते हैं नारियल में, नारियल में देखते हैं ना कि जो बीच में फ्री न्यूक्लियर होता है, लिक्विड होता है और किनारे की तरफ क्या हो जाते हैं, सेलुलर हो जाते हैं. तो दैट इज द न्यूक्लियर. आप लिक्विड देखते हो, वो लिक्विड कुछ और नहीं होता, दैट इज द थ्री न्यूक्लियस. एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक क्रोटिलेरिया का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर टाइप का. ये देखिए लोमेटिया, एलोमेटिया में क्या होता है, चलेजा की तरफ हस्टोरिया डेवलप हो जाते हैं मेनी. चलेजल की तरफ क्या होता है, हस्टोरिया डेवलप हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द लोमेटिया टाइप, LOMATIA, ए टाइप ऑफ इंडोस्पर्म हो गया. ये देखिए ग्रेवेला टाइप, इसमें क्या होता है, तमाम बर्मी फॉर्म अपेंडेजेस आर अराइज फ्रॉम द एट द चलेजल इंड. चलेजल इंड पे क्या होते हैं, बर्मी फॉर्म अपेंडेजेस डेवलप हो जाते हैं, बाकी सब क्या है, रिमेन फ्री न्यूक्लियर. ये आपके है नहीं, कोई बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं. नेक्स्ट इज द सेलुलर इंडोस्पर्म. सेलुलर इंडोस्पर्म में क्या होता है, थ्री न्यूक्लियर स्टेज नहीं पाया जाता है. जैसे न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर सेल वॉल बनेगा, फिर न्यूक्लियर डिवाइड करेगा सेल वॉल बन जाएगा. ठीक है, इसमें एक खासियत होती है, इट हैव द हस्टोरिया. इंडोस्पर्म में क्या होते हैं, तमाम इस तरह से हस्टोरिया या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एराइज होते हैं. वो कुछ में माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, कुछ में चलेजल की तरफ होते हैं, कुछ में थ्रू आउट द बॉडी होते हैं. जो माइक्रोपाइल टाइप हस्टोरिया पाए जाते हैं, दैट इज द इम्पेटियंस टाइप. नाम ही है उसका क्या है, इम्पेटियंस में पाया जाता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज द इम्पेटियंस टाइप. ठीक है,
तीसरा है दैट इज द हेलोवियल इंडोस्पर. हेलोवियल इंडोस्पर का थर्ड डिवीजन ऑफ द प्राइमरी इंडोस्पर न्यूक्लियस इज द सेलुलर. और दो सेल बनाए गए, एक माइक्रोपाइल की तरफ एक चलाजल की तरफ. तो जो माइक्रोपाइलर चेंबर होता है इट अंडरगो द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन द लेटर स्टेज. जो चलाजल चेंबर है इट अंडरगो द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इट अंडरगो द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, तो ये भी देखिए दो चेंबर बन गए, एक माइक्रोपाइलर चेंबर एक चलाजल चेंबर. ये हेलोवियल टाइप में होता है. दिस इज द हेलोवियल टाइप ऑफ इंडो स्पर्म. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडो स्पर्म. क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडो स्पर्म. आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तीन तरह के इंडो स्पर्म बताएंगे, द न्यूसिलर, सेलुलर एंड हेलोवियल. इंटर में फ्री न्यूक्लियर डिविजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, उसमें भी कई तरह के आपको बताए, ग्रेवेला टाइप, ठीक है, और लोबेटिया टाइप. फिर आप आ जाएंगे आप सेलुलर में, इसमें आपको बताए थे इम्पेटियंस टाइप, इसमें सेलुलर डिवीजन होता है, इसमें भी माइक्रोपाइलर, चलेजल, हस्टोरिया डेवलप करते हैं. हेलोवियल इंडोस्पर यहाँ पे क्या होता है, दो चेंबर बनते हैं, फर्स्ट डिवीजन इज द सेलुलर, लेटर ऑन इट बिकम द न्यूसिलर. तो दिस टाइप इज द हेलोवियल टाइप, जनरली इट इज फाउंड इन द मोनोकॉट फैमिली. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडोस्पर. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन में तो नहीं लेकिन थ्योरी थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है. ओके, चलिए नेक्स्ट आप